Assalamu alaikum, students of grade 8. I hope you're all doing well. So, I'm your science teacher Saba hu, and we're still doing chapter number 3 about reactions of metals. For reactions of metals, aaj humne iski exercise ke question number 3 aur question number 4 ko solve karna hoga. So, let's go and see what these questions are about. So, we're halfway through with the exercise. Humne jo MCQs the, jo true or false the, unko solve kar liya tha. अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स में आज हमने जो बाकी दो क्वेश्चंस आपके अगले दो क्वेश्चंस हैं ऑफ योर रिव्यू एक्सरसाइज उनको सॉल्व करना है. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन. अब उन्होंने आपको डिफरेंट रिएक्शंस दिए हुए हैं, चार डिफरेंट अलग अलग रिएक्शंस कि अगर आप इस एलिमेंट को इस चीज के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा. सो वी हैव टू आंसर कि हमारे ओपिनियन में, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी है, पेज नंबर 34 पे एक पूरा टेबल है उसको भी हमने अंडरस्टैंड किया है. तो हमें बताएं कि जी जब किसी मेटल को आप एयर के साथ, एसिड के साथ या फिर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो किस तरह के आउटकम्स होते हैं, कौन से मेटल्स किस तरह से बिहेव करते हैं. ऑब्वियसली यू कैन गो बैक टू दोज लेक्चर्स एंड दोज पेजेस एंड टेक हेल्प फ्रॉम देम. अब फिर आप इनको आंसर करोगे कि आपके ख्याल में अगर मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन बन रहा है एंड सो ऑन. सो लेट्स बिगिन विद पार्ट ए. अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, दैट डिमांड्स कि एक्सप्लेन करें व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक इज प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. तो अगर जिंक को हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो क्या होगा, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा. सो एज वी नो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर होगा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और वो किस तरीके से होगा, जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है एंड सिल्वर भी एक मेटल है. इफ वी कंपेयर देम इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो जिंक जो है काफी ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में और सिल्वर जो है वो तकरीबन एंड पे आता है. ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि अगर जिंक जो है किसी सिल्वर के सोल्यूशन यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा सो वॉट विल हैपन. एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि होता यह है कि जब कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल आप कम रिएक्टिव मेटल के सोल्यूशन में डालते हो तो वो उसको डिस्प्लेस कर लेता है, उसकी जगह खुद ले लेता है और उस मेटल को अलग कर देता है. तो यहाँ पर दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन. जिंक जो है जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर को हटा देगा और खुद जिंक नाइट्रेट बन जाएगा और फिर आपको अलग से सिल्वर मेटल जो है वो मिल जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, जिंक इज गोइंग टू रिप्लेस द सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट. इफ वी रीड दिस, जिंक रिप्लेसेस सिल्वर सिंस इट इज मोर रिएक्टिव, जिंक नाइट्रेट इज फॉर्म्ड. तो यही हुआ कि जिंक क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, उसने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया, जिंक नाइट्रेट फॉर्म हो गया और बच क्या गया, साइड पे बच गया हमारे पास अलग से सिल्वर. अब इफ यू लुक एट पार्ट बी, आयरन इज प्लेस्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. आयरन को किसमें उन्होंने ऐड किया, उन्हें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आयरन को डाला है. अब यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए अगर आप पेज नंबर 34 से रेफर करो, वहां पर एक पूरा टेबल है. उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं इस तरह बिहेव करते हैं इन चीजों के साथ. ठीक है, तो इफ यू लुक एट दैट आप देख सकते हो कि आयरन किस तरीके से रिएक्ट करेगा विद द डाइल्यूट एसिड. आयरन क्या करता है, आयरन विल रिएक्ट टू गिव ऑफ हाइड्रोजन बबल्स. वो रिएक्ट करेगा, बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन नहीं होगा बट इट विल रिएक्ट और काफी ज्यादा मेटल से ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा. क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी जो है नीचे जाते जाते कम हो रही है लेकिन आयरन उतना नीचे नहीं है. इट इज ओवर द टॉप, इन द टॉप फ्यू मेटल्स जो ज्यादा रिएक्शन शो करेंगे. तो इस वजह से वी कैन से दैट आयरन इज गोइंग टू रिएक्ट एंड देन इट विल आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बबल्स. तो जब आयरन किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोजन बबल्स बनाते हैं. ये अगर आप शुरू वाले एक दो पेजेस पे इमेज देखो तो आपको दिखाया हुआ है कि क्या हो रहा है इन द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. आफ्टर दैट पार्ट सी डिमांड्स क्लीन मैग्नीशियम इज एक्सपोज टू एयर फॉर अ मंथ. क्या किया उन्होंने, मैग्नीशियम को एक्सपोज किया एयर के साथ. अब आप फिर से अगर पेज 34 वाला टेबल देखो, मैग्नीशियम एयर के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं. मैग्नीशियम जो है इट रिएक्ट्स वेरी क्विकली एंड वी आर सेइंग इट विल रिएक्ट इन करोर, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन. मैग्नीशियम जो है बेसिकली वो बर्न करते हैं अगर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाए. ऑब्वियसली अगर वो एयर में पड़ा हुआ है तो रिएक्शन उतना वायलेंट तो नहीं होगा लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करोर कर जाएगा, रिएक्ट करता रहेगा और उसका रिएक्शन काफी स्ट्रांग होगा. सो यू कैन एक्सप्लेन कि इट विल रिएक्ट, इट विल करोर एंड इफ इट इज इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन देन इट विल बर्न. दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन कि मैग्नीशियम का क्या रिएक्शन होगा एयर के साथ अगर आप एक महीना उसको एयर पे रखें. एंड देन फोर्थ ऑप्शन है सोडियम इन वाटर. तो सोडियम पानी के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, सोडियम सबसे रिएक्टिव तरीन मेटल्स में से एक है, रिएक्टिविटी सीरीज में तकरीबन सबसे ऊपर ही आता है. तो पानी के साथ इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट होता है और ये जो है हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है उनको गिव ऑफ करता है. अ वायलेंट रिएक्शन अकर्स विद हाइड्रोजन गिवन ऑफ. अगेन व्हाट्स हैपनिंग, बहुत वायलेंट, बहुत शदीद किस्म का रिएक्शन है और हाइड्रोजन बबल्स जो है वो रिटर्न किए जा रहे हैं इन टू द एनवायरमेंट. दैट इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. अब चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है.
यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया हुआ है. उन्होंने आपको डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स दिखाए हुए. एक स्टूडेंट इज कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट. आपने बताना है कि टेस्ट ट्यूब्स को देखते हुए कि जो क्वेश्चन है उनको किस तरह से आप आंसर करेंगे. अगर आप देखें, एन एक्सपेरिमेंट इज सेट अप बाय अ स्टूडेंट. उसमें क्या है, चार अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स हैं. पहली टेस्ट ट्यूब अगर आप देखें, उसके अंदर दो आयरन नेल्स हैं और वो बिल्कुल सिर्फ उसके अंदर हवा है और कुछ भी एडेड नहीं है. देयर इज ओनली एयर इन दिस टेस्ट ट्यूब. दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है, एयर एंड वाटर. तो हवा भी है और पानी भी है. उसके बाद तीसरी वाली में बॉइल्ड वाटर है और साथ क्या है, ऑयल ऐड किया हुआ है. उसे ऑयल मिक्स्ड इन वाटर. एंड लास्टली कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है खाली एयर के ऊपर. कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वो सारे मॉइस्चर को निकाल लेता है एयर से. वो मॉइस्चर को यानी नमी को अब्सॉर्ब कर लेता है. सो दैट इज वाई इसमें क्या होगा, ड्राई एयर होगी, बिल्कुल खुश्क होगी, कोई भी पानी की क्वांटिटी नहीं होगी. ये चारों टेस्ट ट्यूब्स देने के बाद वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि आयरन विल रस्ट इफ बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट. आयरन किस सूरत में रस्ट करेगा, आयरन तब रस्ट करेगा अगर दोनों पानी भी होगा और एयर भी होगा. तो अगर आप फिर से टेस्ट ट्यूब्स को देखो, एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एयर है, एक टेस्ट ट्यूब में एयर और वाटर दोनों है, इसमें ऑब्वियसली आयरन रस्ट करेगा. एक टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड वाटर है, साथ ऑयल है. देयर इज नॉट वाटर एंड एयर, ऑयल है. और फिर फोर्थ पे सिर्फ ड्राई एयर है जिसके अंदर उन्हें कैल्शियम क्लोराइड डाला है ताकि एयर के अंदर से सारी नमी यानी सारे वाटर कंटेंट को हटाया जा सके. अब हमें पता है कि चार अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स हैं, उनके अंदर चार अलग अलग चीजें हैं जिन सबके अंदर एक ही सब्सटेंस पड़ा हुआ है, विच इज वॉट, द आयरन नेल्स. तो जो कील है उनको उन्होंने अलग अलग किस्म के टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग एनवायरमेंट्स में रखा हुआ है. अब क्वेश्चन है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल इट रस्ट मोस्ट. तो आयरन जो है सबसे ज्यादा किस टेस्ट ट्यूब में रस्ट करेगा. रस्टिंग इज सिमिलर टू करोजन. जो जंग लगना होता है उसको बेसिकली हम रस्ट कहते हैं. और वो कब होते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ इन कॉन्टेक्ट आए आयरन. यहाँ पे दे सेड कि जहां पानी और एयर दोनों मौजूद होंगे वहां पे आयरन सबसे ज्यादा तेजी से रस्ट करेगा. तो अगर आप ऊपर देखें, पहले वाले में एयर है लेकिन पानी मौजूद नहीं है, तो ये ऑप्शन हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इसमें सबसे तेजी से रिएक्शन नहीं होगा. दूसरी वाली में एयर भी है, पानी भी है. तीसरी वाली में बॉइल्ड वाटर है लेकिन साथ ऑयल है. अगर आपको याद हो, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि अगर ऑयल को ऐड कर दें तो लुब्रिकेशन हो जाती है, उससे रस्टिंग जो है, जंग लगना जो है वो स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस, ना कि एनहांस होता है. तो यहाँ पर क्योंकि उसके अंदर ऑयल शामिल है और पानी गर्म है, रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ऑयल जो है वो आयरन नेल्स को उस तरह से रस्ट नहीं होने देगा. एंड लास्टली, ड्राई एयर में बिल्कुल कोई वाटर कंटेंट नहीं है, तो आयरन को रस्ट होने के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों चाहिए. इसमें वाटर कंटेंट खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल ड्राई बना दिया एयर को. तो कौन सी ऑप्शन हमें सूट कर रही है, द सेकेंड वन. तो इन विच टेस्ट ट्यूब विल इट रस्ट द मोस्ट, सेकेंड टेस्ट ट्यूब. क्यों, क्योंकि उसके अंदर पानी भी है, एयर भी है, दोनों के अंदर ऑक्सीजन अब्सॉर्ब होते हैं. एंड दैट इज वाई आयरन ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट में इस वाली टेस्ट ट्यूब में आ रहा है. एंड दैट इज वाई सबसे तेजी से वो रस्ट इसी वाली टेस्ट ट्यूब में करेगा. पार्ट बी अगर हम देखें, इन रस्टिंग आयरन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट, राइट इक्वेशन. तो रस्टिंग में ये होता है कि आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक चीज फॉर्म करता है जिसको हम आयरन ऑक्साइड का नाम देते हैं. तो इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है. अब आपने इक्वेशन फॉर्म करना अभी तक नहीं सीखी, बट इट्स नॉट दैट हार्ड. तरीका ये होता है कि पहले आप देखो पीरियोडिक टेबल में दोनों एलिमेंट्स के क्या हैं सिंबल्स. जैसे आयरन का होता है Fe, ऑक्सीजन का होता है O. हमने Fe को O के साथ रिएक्ट कराना है. अब O जो है वो सिंगल एलिमेंट को इस तरह से हम कहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो गैस होती है दैट इज O2, उसके अंदर दो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के. तो ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, आयरन का एक एटम है. आपके पास बना क्या है, आयरन ऑक्साइड, विच शुड बी Fe एंड O. Fe और O मिल जाएंगे और आयरन ऑक्साइड बनाएंगे. लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि इक्वेशंस हमें बैलेंस करनी होती है इन केमिस्ट्री, विच इज वाई हम इसको बैलेंस करेंगे. हम दोनों साइड्स पे ऐसे नंबर्स ऐड करेंगे ताकि इक्वल यूनिट्स बन जाए आयरन के और ऑक्सीजन के ऑन बोथ साइड्स. तो हम अगर यहाँ पर 4Fe कर देते हैं और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर हमारे पास 2Fe2O3 आता है. इससे क्या होगा, Fe के 2 आपके पास एटम्स हैं, 2Fe2 मतलब आपने 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 4Fe आपके पास आ गए, विच इज द सेम एज दिस साइड. तो ये वाली साइड और ये वाली साइड के आयरन सेम हो गए. उसके बाद 3O2 मतलब O2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, 6 ऑक्सीजन के एटम्स आ गए. एंड फॉर दैट यहाँ पर हमारे पास अगेन O3 है और साथ 2 यहाँ पर है. सो इफ यू मल्टीप्लाई देम यू अगेन गेट अ 6.
तो ओ सिक्स हो गया यहाँ पर, यहाँ पर भी, एंड दैट इज वाई दोनों साइड्स की इक्वेशन जो है हमारी वो बैलेंस हो गई, दोनों साइड्स पे एक जितने एटम्स, एक जितने अमाउंट है ऑफ बोथ आयरन एंड ऑक्सीजन. सो दिस इज योर रिएक्शन. मेनली एफ ई ने ओ के साथ कंबाइन करके एफ ई ओ बनाया है, एंड बिकॉज वी आर बैलेंसिंग दैट इक्वेशन देन वी राइट इट दैट एफ ई टू ओ थ्री एंड देन एफ ई एंड ओ एंड वी बैलेंस दिस. इस तरह से आप इक्वेशन को लिख सकते हैं. सीनियर क्लासेस में यू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर जब आपको इक्वेशंस खुद से बनानी आ जाए. हम भी आगे आने वाली क्लासेस में इनके बारे में जरूर बात करेंगे, बट फॉर नाउ दिस इज इट फॉर यू कि आपको पता है कि इक्वेशन किस तरह से होती है. आइए चल के पार्ट थ्री को देखें. अब हम व्हाट वी हैव नाउ इज पार्ट थ्री ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर. तो अगर उसको हम देखें, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट रस्टिंग. सवाल है, रस्टिंग को प्रिवेंट करना क्यों जरूरी है. रस्टिंग को प्रिवेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले तो ये मेटल की शाइन को खराब करती है, उसके बाद मेटल को ईट अवे करके उसको बहुत कमजोर बना देती है. इट वीकेंड्स द मेटल. तो क्योंकि ये मेटल की शाइन को डैमेज करती है, उसको वीक बनाती है, उसको ईट अवे कर जाती है, मेटल जो है उतना स्ट्रांग नहीं रहता, उसकी लुक वो नहीं रहती. इस वजह से हम चाहते हैं कि रस्टिंग जो है वो ना हो और हम उसको प्रिवेंट कर सकें. रस्टिंग जो है इट्स सिमिलर टू करोशन, उसी की तरह की बात हो रही है यहाँ पे. तो हम क्यों उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, ताकि हमारा मेटल जो है उसका नुकसान ना हो, हमने जिस पे इतना ज्यादा टाइम और एफर्ट स्पेंड की है वो इस तरह से खराब ना हो जाए बिकॉज ऑफ रिएक्टिंग विद एयर, वाटर और एसिड्स. उसके बाद पार्ट फोर है, सजेस्ट टू वेज इन विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. सो वंस यू हैव टोल्ड कि रस्टिंग जो है हमें उसको प्रिवेंट करना होता है, कौन से दो तरीके हैं जिससे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो. कोई से भी दो तरीके यहाँ पर बताने हैं, तो क्या तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका तो यह है कि आप उसको पेंट कर लें. जो आपका मेटल है, जो आपकी चीज है, जो आपका टूल है, उसको यू पेंट इट. पेंट करने से क्या होता है, पेंट करने से उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. ठीक है, उस पेंट के अंदर या तो लेड होगा या जिंक होगा, वो दोनों कम रिएक्टिव होंगे, वो रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और नीचे वाला मेटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा. दूसरी ऑप्शन क्या होती है रस्टिंग प्रिवेंट करने की आयरन की, यू गैल्वेनाइज इट विद जिंक. जब हम बात कर रहे थे इस तरह से प्रिवेंट करने के कोरोजन को, तो वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि आप ग्रीस यूज कर सकते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन एक तरीका होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तरीका होता है. तो यहाँ पर अगर हमें सिर्फ दो बताने, तो हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आप उस आयरन को, उस मेटल को पेंट कर लें. दूसरी तरीका ये है कि आप क्या करें, आप उसको जिंक से गैल्वेनाइज कर लें, यानी उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दें. जिंक जो है वो कम रिएक्टिव है, तो वो उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, एंड द मेटल अंडरनीथ विल स्टे सेफ. ये दो एग्जांपल्स हो गई हैं व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट रस्टिंग. इसके अलावा भी तरीके हैं, इफ यू वांट टू यूटिलाइज दोस, राइट दोस, जरूर अपने तरीके से आप उनको एक्सप्लेन करें. इसको भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे दैट द टू वेज इन विच वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग आर, वन वी कैन पेंट द मेटल, टू वी कैन गैल्वेनाइज इट विद जिंक. एंड इफ यू वांट टू फर्दर एक्सप्लेन कि किस तरह से और क्यों ये हो रहा है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन विद इन दिस आंसर. इसके साथ क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर को खत्म कर लिया. क्वेश्चन नंबर थ्री में आपने डिफरेंट रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना था, आपने बताना था कि अगर मैग्नीशियम एयर के साथ या फिर आयरन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या आउटकम्स होते हैं. उस क्वेश्चन का पर्पस ये था कि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से मेटल्स के रिएक्शंस को हमने अंडरस्टैंड करने और उनकी रिएक्टिविटी किस तरह डिफर करती है एयर के साथ, वाटर के साथ एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ. क्वेश्चन नंबर फोर में हम सिर्फ रस्टिंग के ऊपर बात करें, वो टॉकिंग अबाउट आयरन की रस्टिंग जो होती है. अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में हमने डिफ्रेंशिएट किया है कहाँ पर आयरन तेजी से रिएक्ट करेगा, कहाँ पर वो जल्दी रस्ट करेगा, और फिर हमने बताया कि क्यों हम चाहते हैं कि रस्टिंग ना हो और किन किन तरीकों से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. इसके साथ क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर खत्म होते हैं. अगला लेक्चर में हमने बात करनी होगी क्वेश्चन नंबर फाइव ऑनवर्ड्स के बारे में. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट दोस एनी टाइम सून, आप जरूर उस लेक्चर में ट्यून इन करें, उससे हेल्प लें और उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें. Looking forward to seeing you there then. Allah Hafiz.